करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। व्हाट इज अ मोनो एटॉमिक गैस? जिसमें सिर्फ एक ही एटम है, जैसे हीलियम गैस हो गई, नियॉन गैस हो गई, सो इस तरह की कोई गैस है, इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 300 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब हमें स्टार्टिंग का उसका टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और उसका प्रेशर गिवन है कितना, 2 एटमॉस्फेयर। तो उसके बाद जो हमारे पास बाद में जो टेम्परेचर है दैट इज 2600 केल्विन एंड प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर। जो एंट्रोपी चेंज है, डेल्टा एस वो निकालना है हमें, तो एंट्रोपी चेंज के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो हम इस सीरीज में डिस्कस करते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, तो हम ऑब्वियसली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपना एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास एक्सप्रेशन जिस तरह के क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है, तो हमारे पास जब प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है और हमारे पास वॉल्यूम प्रेशर चेंज है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये गिवन नहीं है कि प्रोसेस आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है। देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ना आइसोथर्मल है ना आइसोबैरिक है, और कहीं पे भी आइसोकोरिक की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हम इस पे कोई भी कंडीशन लगा नहीं सकते। तो देखो अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखना है कि क्या यूज होगा। तो इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा दैट इज NCVLN T2 by T1 plus NRLN V2 by V1। ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, बट द थिंग इज कि हमें ना यहाँ पे ये तो पता है वैल्यूज, लेकिन हमें वॉल्यूम चेंज नहीं पता। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को टेम्परेचर के टर्म्स में डिड्यूस कर लेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, P1 V1 equals to NR T1। तो यहाँ से जो V1 है that will be equal to NR T1 by P1 और ऐसे ही V2 is equal to NR T2 by P2, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास डेल्टा S क्या आ जाएगा, NCV ln T2 by T1 plus NR ln NR T1 by P1 NR T2 by, अच्छा V2 के केस में यहाँ पे 2 आएगा, T2 T1 by P1। अब देखो यहाँ से कट क्या होगा, ये सब कट हो गया, we are left with NCV ln T2 by T1 plus NR ln। देखो ऊपर चला जाएगा ये P1 T2 by T1 P2, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, कैसे, देखो NCV ln T2 by T1 plus NR ln T2 by T1 प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। क्यों? क्योंकि लॉग एम इन टू एन इज लॉग एम प्लस एन, या लॉग एम लॉग एम, अगर हमारे पास एल एन एम एन है दैट कैन बी टेकन एज एल एन एम प्लस एल एन एम। तो यहाँ पे यही किया हुआ, देखो ये मल्टीप्लाई में था, उसको सबट्रैक्ट करके लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एन एल एन टी टू बाई टी वन तो कॉन्स्टेंट आ गया, तो अंदर बचेगा सी वी प्लस आर, ठीक है। और इधर ये टर्म इस तरह से, या माइनस बाहर लिख लो, तो ये टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएगी, वी हैव दिस। अब ये CV प्लस R क्या होता है, CV माइनस CV इक्वल टू R होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू CP, सो इट विल बी इक्वल टू N ln T2 by T1 CP, CP आगे लिख देते हैं, NCP ln T2 by T1 minus NR ln P2 by P1, this is the expression। देखो एग्जाम में ऐसा एक्सप्रेशन कोई हमारे पास पहले से नहीं होता, हमें एग्जाम में पहले तो ये एक्सप्रेशन डेराइव करना पड़ेगा, तो हमने पहले एक्सप्रेशन डेराइव किया, नाउ वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब एक्सप्रेशन में जरा आप चेक करो, आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए, एन चाहिए तो कितना नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, 1 मोल वो तो ऑलरेडी गिवन ही है, और आपको T1 T2 चाहिए, P1 P2 चाहिए, वो भी ऑलरेडी गिवन है, और आपको चाहिए R, R तो होता है 8.314, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू किसकी, CP की। तो CP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए पहले हम CV निकालते हैं। CV क्या होता है, मोनो एटॉमिक गैस की अगर बात करी जाए, सो दैट हैज ओनली 3 transitional degrees of freedom, ठीक है। हमारे पास मोनो एटॉमिक के लिए सिर्फ 3 transitional degrees of freedom होते हैं, हर एक transitional degree of freedom का contribution होता है 1/2 R।
CB में 3 by 2 R, लेकिन हमें तो CP निकालना है, so CP will be equal to 5 by 2 R. तो CP की वैल्यू कितनी आ गई, 5 by 2 R, आप यहाँ पुट कर दो. डेल्टा S will be equal to, M तो लेना ही है ना, 1 है तो बार बार क्यों लिखेंगे. CP is 5 by 2 R ln T2 by T1, T2 कितना आ गया हमारा, that will be 600 by 300 और माइनस R, R को आगे रखेंगे, ln प्रेशर कितना 4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि P2 by V1 है ना, so that will be equal to 5 by 2 R ln 2 minus R ln 2, so that will be equal to 3 by 2 R ln 2. So the correct answer to this question is option number B. ठीक है, question ज़्यादा tough नहीं था, हाँ बहुत सारे results इसमें use हो रहे हैं, तो अगर आप correct formula use करोगे, और अब ना इसमें सबसे ज़्यादा problem क्या आ रही थी कि ये given नहीं था volume के बारे में कुछ भी. So what the students have done in this question, they have taken the process to be isochoric. अब process isochoric आप कैसे ले सकते हो, खुद सोचो कि if PV is equal to NR, अगर ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो चांसेस आर ये भी चेंज होगा. इफ द आइसोबॉरिक प्रोसेस इज नॉट गिवन, आप उसको आइसोकैरिक ऐसे ले लो. तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, लास्ट वाली टर्म को जीरो, सीधा से जीरो लिख दिया और फिर सॉल्व किया, और उस वहां से जो आंसर आ रहा था दैट वाज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस. तो इसलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करना है. अगर आइसोकोरिक गिवन नहीं है ना, डोंट कंसीडर इट ऑन आइसोकोरिक ऑन योर ओन, आप नहीं ले सकते हो जब तक गिवन नहीं है, तो आइसोकोरिक नहीं लेना है. आपको जो फॉर्मूला था उसको इस तरह से डिड्यूस कर लो कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो पुट हो जाए उसमें, फिर देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, एंड दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली थर्मो में एंट्रोपी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग.